नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल प्रैक्टिकल के अंतर्गत आज अति महत्वपूर्ण एक सर्वेक्षण उपकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उस उपकरण का नाम है क्लाइनोमीटर। इस उपकरण को भारतीय क्लाइनोमीटर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस उपकरण का या इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार सबसे पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किया था। यानी कि क्लाइनोमीटर का आविष्कार सबसे पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया गया। इसी कारण इस इंस्ट्रूमेंट को भारतीय क्लाइनोमीटर की संज्ञा दी जाती है। इस उपकरण को टेंजेंट क्लाइनोमीटर के रूप में भी संबोधित करते हैं, क्योंकि इस उपकरण के अंतर्गत टेंजेंट वैल्यू को पढ़ा जाता है। इस कारण से इस उपकरण के माध्यम से अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर स्थित स्थानों की ऊंचाई का या ऊंचाई की गणना की जाती है, ऊंचाई का आकलन किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस क्लाइनोमीटर का या भारतीय क्लाइनोमीटर उपकरण की सबसे ज़्यादा उपयोगिता सिद्ध मानी जाती है। अब आगे पढ़ते हम जो भारतीय क्लाइनोमीटर उपकरण हैं उसके संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि उस उपकरण में क्या क्या चीज़ हैं। वन बाय वन बात करते हैं या कह सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट को ही क्लाइनोमीटर ग्रुप में जानते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर लंबा है। या इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट्स हैं उसको कहेंगे अपन आधार प्लेट ग्रुप में जानते हैं। ये जो आपकी दिख रही हैं ये आपकी एक आधार प्लेट है, ये ठीक है। आधार प्लेट की जो लंबाई है लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इस आधार प्लेट के नीचे तीन जो बटन दिख रहे हैं आपको, एक दो जो तीन बटन जो दिख रहे हैं ये वाले देख लें, यह हाथी दांत के बने होते हैं। यह कह सकते हैं अलोह धातु के भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको जब अपन कागज़ पर घुमाते हैं तो इनके द्वारा जो है हिलाने पर सीट बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। हाथी दांत या अधातु का बना होता है जो सीट से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये आधार प्लेट के नीचे लगी होती है। उसके बाद में इस आधार प्लेट के जो ऊपर आएगी, ऊपर वाले बात कर रहे हैं, ये आएगी एक पीतल की छड़ आती है। ये दिख रही है। इस पीतल की छड़ के बीचों बीच ये दिख रहा है आपको, इस बीचों बीच में एक लेवल नलिका लगी होती है, जिसे अपन ने देखा होगा स्पिरिट लेवल के अंतर्गत। तो ये भी लेवल नलिका है, वह लेवल के लिए ही काम आती है। लेकिन इसको लेवल करने के लिए इस यंत्र के जो ब्रास की जो बनी हुई है इसके पास में ये देख रहे हैं आप, ये जो एक स्क्रू देख रहे हैं, इस स्क्रू को हम लेवलिंग स्क्रू के रूप में जानते हैं। इसके द्वारा ही इस इंस्ट्रूमेंट को लेवल किया जाता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें आप कि लेवल के लिए आप ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, आप इसके स्क्रू के माध्यम से इस भारतीय क्लाइनोमीटर यंत्र को लेवल करते हैं। इसको बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू। उसके बाद इस यंत्र में दो चीज़ और आती हैं, एक आती है आई वैन और एक होती है ऑब्जेक्ट वैन। आई वैन जहाँ पर अपन आँख रखते हैं और ऑब्जेक्ट वैन जहाँ से अपन ऑब्जेक्ट को देखते हैं।
ये जो दिख रहा है आपको ये प्लेट, ये आपकी आई वेन है, और ये जो दिख रही है आपको ये आपकी ऑब्जेक्ट वन है। आई वेन में, आई वेन के ऊपर ये जो आपको थोड़ा हल्का सा छेद दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं अपन आई होल के रूप में से संबोधित करते हैं, और यही से हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। और लेकिन इसके पूरे पार्ट को कहते हैं अपन दृश्य फलक के रूप में इसे जानते हैं, और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट वन। इस ऑब्जेक्ट वन और आई वन को लंबवत रूप में दिखाने के लिए या उसको स्थिर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में दो आलंबन लगे होते हैं, ये देख रहे हैं आप, इसे बोलते स्लट कहते हैं, ये देखिए आप। अब ये नहीं होंगे तो ये हिल जाएगा हल्का सा। इसको बिल्कुल दोनों को लंबवत में लाने के लिए, बिल्कुल खड़ा लाने के लिए ये आलंबन लगे होते हैं। ये चीज़ लगाने के बाद में ये खिसकेंगे नहीं आपके, इसी ध्यान रखिए यार। इसको अपन आलंबन या स्लट के रूप में भी इसे जान सकते हैं। इसको अपन रीडिंग पढ़ेंगे इसकी तो ये बिल्कुल सही रीडिंग आएगी आपकी, और ये हट जाएंगे तो रीडिंग गलत हो सकती है आपकी। आई वेन में क्या होता है, आई होल होता है, यहाँ से अपन ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट वन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, ऑब्जेक्ट वन का जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, इसमें जो दो पार्ट दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा लेफ्ट एक दिख रहा राइट। इस लेफ्ट वाले पार्ट पर जो बाएं वाला पार्ट दिख रहा है, बाएं वाले पार्ट पर डिग्री अंकित होती है। क्या होती है? डिग्री अंकित होती है। डिग्री अंकित में बात करते हैं जो सबसे अधिकतम वैल्यू की बात करते हैं, वो अधिकतम वैल्यू 22 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। कितनी? 22 डिग्री। अधिकतम वैल्यू की बात करते हैं हम तो 22 डिग्री तक की वैल्यू पढ़ सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है डिग्री वाला पार्ट देख रहे हैं आराम से, ये इस साइड दिख रहा है 22 डिग्री वाला, और ये 22 डिग्री यहाँ था, थोड़ा सा नीचे आएंगे शून्य होगा, और नीचे आएंगे वापस 2-4 करके ये 22 तक चला जाएगा। इस प्रकार से होती है, जैसे ये आपकी है, यहाँ पर आपका शून्य है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बढ़े हुए, यहाँ तक 20 और दो और बढ़े जाते। सेम चीज़ वापस, ये होता माइनस वाला, ये होता प्लस वाला, मतलब नीचे और ऊपर का दोनों को कोण पढ़ सकते हैं अपन, ऊंचाई ध्यान रख सकते हैं, गहराई भी क्या कर सकते हैं, इससे ध्यान रखें आप। और मिनिमम की बात, अधिकतम कितना कर रहे हैं 22 डिग्री, और न्यूनतम की बात करते हैं तो 2 डिग्री तक की वैल्यू इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो राइट साइड वाला जो दिख रहा है कॉलम आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर नेचुरल टेंजेंट वैल्यू बताई गई है। टेंजेंट वैल्यू को पढ़ा जाता है। टेंजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो टेंजेंट वैल्यू इस यंत्र में सबसे ज़्यादा जो पढ़ जाती है 0.4 पढ़ जाती है। कितने पढ़ेंगे? 0.4 अधिकतम वैल्यू पढ़ते हैं टेंजेंट वैल्यू। अधिकतम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 0.4 पढ़ते हैं, और न्यूनतम की बात करते हैं तो 0.005। अब इसके पीछे कुछ लगाता नहीं है, बस टेंजेंट वैल्यू को अपन ऐसे बोलेंगे 0.4 और 0.005, ये होती है सबसे न्यूनतम वैल्यू पढ़ते हैं इसमें अपन, और अधिकतम की बात करते हैं तो 0.4 वैल्यू इसमें पड़ जाती है। उसके बाद में ये आपको एक फ्रेम दिख रही है, इसको बोलते सरकरवा फ्रेम। इसको अपन ऊपर भी घुमा सकते हैं और नीचे भी घुमा सकते हैं अपन, ऐसे देखें आप इसको सरकरवा फ्रेम को मुझे जानते हैं। इसको अपन जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के सहारे ऊपर और नीचे खिसकाया जा सकता है। इसमें दो शब्द थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या फर्क होता है, ये देखें आप हल्का सा। जैसे मान लो ये आपका 0 सेट है, अब इस आयाम से देख रहे हैं, जब आप कोई ऑब्जेक्ट यूं जाएगा, ऊंचाई की तरफ जाएगा, थोड़ा सा एक चित्र के द्वारा समझे आप इसको। जैसे ये अपनी आँख है और यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और ये आपका ऑब्जेक्ट। जब आप इस प्रकार से जाएंगे और ये हो गया आपकी, ये जो चीज़ आ रही है, ये जो कोण बन रहा है वो क्या कोण बनेगा,
उन्नयन कोण बनेगा, क्या बनेगा? उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण को अंग्रेजी बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन के रूप में से जानते हैं। यानी ऊपर वाला कौन सा बन रहा है, इनके बीच का जो आ रहा है। और मान लो कि यहाँ से कोई नीचे वाला चीज है, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम ये वाला जगह, तो ये जो कोण बनेगा इसे कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। और अंग्रेजी भाषा में एंगल ऑफ डिप्रेशन। कई बार पूछा जा चुका है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। जो ऊपर वाला जो कोण होगा वो उन्नयन कोण या एलिवेशन कोण कहेंगे, और नीचे वाला कोण अवनमन कोण, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन के रूप में से जानते हैं। और ये जो लाइन बन रही है आपकी, कोण तो कहती है उन्नयन कोण, लेकिन ये लाइन और ये लाइन जो बनती है आपकी, इससे बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कोलिमेशन के रूप में से समझ लेते हैं। सेम चीज वो चीज है, ध्यान दें आप इसको। ये वाला कोण आ रहा है उन्नयन कोण, और ये वाला कोण होगा अवनमन कोण। और इसके जो लाइन जो बन रही है इसे बोले लाइन ऑफ कोलिमेशन के रूप में से संबोधित करते हैं। इस यंत्र के द्वारा हमने कहा कि इससे ऊंचाई ज्ञात की जाती है, तो ऊंचाई ज्ञात करने का एक सिंपल सा सूत्र है वी आई का सूत्र, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। वी आई बराबर टेन थीटा, जो टेंजेंट वैल्यू की बात मैं बताया कि इसमें टेंजेंट वैल्यू आराम से पढ़ सकते हैं, टेंजेंट वैल्यू की प्लस डिस्टेंस। यहां से इसकी कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस प्लस माइनस एच आई। एच आई इट मीन्स हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपने क्या करना है, आपको इस इंस्ट्रूमेंट से लिखा आई होल से, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट वन है, यहाँ से आपने रीडिंग पढ़ी है। अपना देख लेते हैं डायग्राम में, देखो ये आपका, यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा। ऑब्जेक्ट देखने के लिए इस सर्कल ऑफ फ्रेम को ऊपर खिसक आएंगे अपन, इस प्रकार से ये चल रहा है। और इस ऑब्जेक्ट को देखने पर ये जो आपको धागा दिख रहा है आपका, धाबा धागा के किनारे या धागा के बिल्कुल पैरेलल आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, और यहाँ पर हमको रोक देना है। और यहाँ से अपन को टेंजेंट वैल्यू पढ़नी है, टेंजेंट वैल्यू पढ़ ली और यहाँ पर अपन ने लिख दी प्लस। यहाँ से अपन जो भी ऑब्जेक्ट को देखा उसकी धरातल की अपन को दूरी मापनी है, 5-10 मीटर जो भी आई वहाँ लिख दिया। अब ये कह रहा है प्लस माइनस एच आई, प्लस के माइनस के जब ऊपर होगा तो प्लस होगा और नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो उसमें जी इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ रही है इसको फीते के द्वारा माप करके इसमें जोड़ दीजिए, कटा दीजिए, जो आंसर आया आएगा अपना वो होगी अपने उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी अपने। ये था आज का जो टॉपिक है भारतीय क्लाइनोमीटर, जिसका आविष्कार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया गया, इसी कारण से इसे भारतीय क्लाइनोमीटर रूप में भी जानते हैं। इसे इसमें टेंजेंट वैल्यू होने के कारण से टेंजेंट क्लाइनोमीटर की संज्ञा भी दी जाती है। इस यंत्र के द्वारा ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करने में बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। थैंक यू वेरी मच।